हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी एन कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप लोग को बताया था कि मुंबई के अंदर पुराने नोट्स क्वाइन के एग्जीबिशन लगने वाले थे, जिसकी शुरुआत होनी थी 6 अक्टूबर 2023 से और ये ख़त्म होगा 8 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों, इस एग्जीबिशन का आज आखिरी और फाइनल डे है, यानी आज 8 अक्टूबर है, उसके बाद ये एग्जीबिशन फाइनली ख़त्म हो जाएगा। पहले ये नोट करना, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद भी पूछते रहते हैं कब एग्जीबिशन चल रहा है क्या। कोई भी इंडिया में जो भी एग्जीबिशन होते हैं ओनली 3 डे होते हैं, और जिसका दिन होता है फ्राइडे सैटरडे संडे, डेट कोई भी हो सकता है लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तक चलता है। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे, आप थोड़ा इस भीड़ दिखाइएगा, बहुत सारे मेरे व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, बहुत सारे आके जा चुके हैं। तो मैंने जिनको अपना फाइनल एड्रेस बताया था, जो मुंबई से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, कोई आंध्रा से आए थे, कोई बेंगलोर से आए थे, इंडिया के कोने कोने से आए थे, और जिनके पास जो अच्छा कलेक्शन था, मैं बाइंग कर भी रहा हूँ। कॉमन कलेक्शन होता है, मैं बाइंग नहीं करता हूँ। इसके लिए बोलता हूँ कि कोई भी कलेक्शन करने से पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन, जानकारी लो। जानकारी मैं बोला था 3 तरह से मिलती है। पहला, या तो आप मेरा यूट्यूब चैनल GNA कलेक्शन का वीडियो देखो, या दूसरा गाइड बुक देखो, या तीसरा सामने एग्जीबिशन में मिलो। बहुत सारे लोग हैं ब्लाइंडली कुछ भी कलेक्शन कर लाते हैं, हर क्वाइन पुराना उनको लगता है महंगा है, तो हर क्वाइन महंगा नहीं होता है, उसके लिए जानकारी कलेक्ट करना होगा, तभी आप फ़ायदे में हो सकते हैं। ठीक है, नोट्स हो, क्वाइन हो, तो उसके लिए आपको गाइड बुक आती है नोट्स की, क्वाइन की, वो मेरे घर से मैं मतलब ऑनलाइन आपको बाई पोस्ट भेज दूंगा। उसकी प्राइस भी मैं इधर एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद, इसके बाद राजकोट होने वाला है अगले फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी 13, 14, 15 अक्टूबर को राजकोट में मैं मिलूंगा। अगर जो भी फ्रेंड स्पेशल गुजरात स्टेट से हैं, जिनको मिलना चाहते हैं, तो मेरा स्टॉल वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एग्जीबिशन होगा, फर्स्ट फ्लोर पे। मेरा एग्जीबिशन जो अभी राजकोट में होगा वो फर्स्ट फ्लोर पे होगा, जैसे एंट्री करेंगे फर्स्ट गेट पे है, उसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा। फिलहाल ये बहुत सारे लोग आए हैं, पहले इनसे बात करते हैं, बहुत देर से है। क्या नाम हुआ आपका? सुजाता। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, ये पूना से आए हैं, शायद पहले भी आपने मैसेज किया था क्या? मैं बोला था कि मत आइए, पूना में भी हो सकता है एग्जीबिशन, लेकिन इनका दिल किया। देखिए, आने से क्या होगा, कम से कम कि जानकारी तो मिल गया ना। इनका मोस्टली कॉमन क्वाइन था, थोड़ा बहुत स्केयर था, ज़्यादातर तो कॉमन है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, कोई भी जानकारी लेने से पहले, कलेक्शन से पहले जानकारी, विदाउट इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इनसे बात करते, ये आए हुए हैं, दिखाइए। ये मैम आई हुई हैं, ये आई हुई हैं बांद्रा से, है ना, मुंबई से। तो देखिए, ये हर कोई पुराना नोट रेयर नहीं होता, उसके लिए जानकारी होती है। पुराने, मैं बोलता हूँ ना, ओल्ड इंडियन क्वाइंस एंड नोट्स, यानी पुराने नोट्स का मतलब पुराने ज़माने का नोट हो, कंडीशन अच्छा हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने LB दूँ, ये मेरा स्टॉल है, आप एक देखो नोट का कंडीशन, आप लोग देखो पहले, ये जितना पुराना नोट है, और एक आप देख लो, ये मैं बोलता हूँ 786 कौन सा कलेक्टेबल है, तो समझ में नहीं आता है सबको। देखिए, 7786 000 786 786, इस पर कितना वीडियो बना चुका हूँ, या नंबर पूरा होना चाहिए, कोई आधा नंबर लेकर आते हैं। ये अब देखिए, जैसे 100 रुपये में ऑल 1115550 50, इस टाइप का मतलब कंडीशन होना चाहिए। जैसे ये इसमें आपको लिखा हुआ है, इस टाइप का कंडीशन होना चाहिए। तो मैम, ये सारा आपका कॉमन है, ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम मिल सकता है, 10 रुपया मनमोहन सिंह है, इसलिए ये कंडीशन अच्छा होने से 100-150 का होता। देखिए, ऑल प्राइस डिपेंड ऑन कंडीशन, कॉमन भी हो अगर कंडीशन अच्छा हो तो प्राइस मिलता है, लेकिन कॉमन हो लेकिन कंडीशन अच्छा हो तो प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, तो पहले आप जानकारी, मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तब आप कलेक्शन करेंगे तो फ़ायदा हो। मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखिए, अरे ज़्यादा टाइम नहीं, तो कम वाला तो देख ही सकते हैं ना। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? उमा शंकर जी, कहाँ से आए हैं? कांदीवली से, ये भी महाराष्ट्र मुंबई से कांदीवली, ये कलेक्शन लेकर आए हैं। ये सर, ये सर्कुलेशन मतलब नोट है 1 रुपये का, तो ये UNC होने से आपका बिकता। अब देखिए, ये सारा इनका कंडीशन बहुत पुअर है। दोस्तों, पुराने ज़माने का मतलब होता है पुराना ज़माना हो लेकिन कंडीशन अच्छा हो, लाइक ऐसा। इसका गड्डी होता है 1200-1300 का, लेकिन ये लूज 5 से 6 रुपये का ही कीमत होता है। जैसे गड्डी टूटता है रेट आधा होता है, याद रखिएगा। ये मोड़ वाला है, कंडीशन हल्का है, ये है 15 से 20 रुपये का है, गड्डी होने से अच्छा होता है। ये 20 रुपये का है लेकिन सर्कुलेशन का कलेक्टेबल नहीं है। और किसी को कुछ दिखाना है तो दिखाइए, वो हाथ में दिखाओ। आपका कहाँ से आए? अच्छा, महाराष्ट्र से ही है। एक मिनट, ये क्वाइन है हिरन वाला, तो
तो ये हिरन वाला है ना, सबसे लास्ट इशू है जगन्नाथन का। इस कंडीशन में 30 रुपये तक का होता है, गड्डी होने से UNC 80-90-100 तक होता है। ये देखिए ये कैसा कलेक्शन लेकर आए हैं, चलिए लाए हैं तो ये देखिए ये सारा कलेक्शन है, ऐसा मत कलेक्शन कीजिए। और एक और चीज़ बताता हूँ, एग्जीबिशन में आने का कोई चार्ज कोई फीस नहीं लगता है। मेरे YouTube चैनल का कोई डील करेंगे, अगर मेरा मैं फेस टू फेस डील करता हूँ, घर पे जाके डील नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं उसी से डील करता हूँ जो एग्जीबिशन में आते हैं, उससे मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, उनके पास अच्छा कलेक्शन होता है तभी जाता हूँ। और कोई भी आपसे ऑनलाइन पैसा मांगे तो सीधा ब्लॉक कर देना, अगर आप चाहते हैं अगर अपना पैसा बचाना। कोई 1-2-5 लाख का खाद दिखाते हैं और फिर आप सपने में तैरते रहते हो, नीचे से आपका पॉकेट काटते हैं, ठीक है, तो इससे बचो। ये सर ये 500 का नोट बैन हो चुका है, इसका कीमत बता देता हूँ, मैं लूँगा नहीं सर। ये कलेक्शन के लिए 50-60 रुपये का होता है, बाकी इसका कोई वैल्यू नहीं है। सर इसमें क्या है इस नोट में, तो इसको खर्चा करो ना। आप देखो ये सोचने वाले, ये क्या नोट है, ये चलन का नोट है लेके आ गए भैया, सब में पैसे जी, ये खर्चे का नोट है भैया। कार्ड नहीं, YouTube खोलो, GNA कलेक्शन सब्सक्राइब करो। और कुछ है आपके पास दिखाएं, इसमें कुछ है क्या? हाँ ये मैम इधर दिखाओ मैम को, ये ट्रैक्टर वाला किसी का वीडियो देखा होगा, 1-2 लाख बताया है। बहुत लोग तो ट्रैक्टर के लिए पागल होते हैं, ये कॉमन है, ये खर्च करें, ये आज भी बाजार में मिलता है। अब सोचो जिसके पास होता है उसको लगता है मैं लखपति हूँ, भाई बाजार में चलने वाला चीज़ का 1 लाख रुपया कैसे हो जाएगा? तो ऐसे पूरा इंडियन लाख लखपति हो जाएगा, तो लेने वाला कौन है ये बताओ, आप ही लोग बताना सोच के। कॉमन है खर्च करना मैं। दिखाओ दिखाओ क्या है, दिखाओ पर लास्ट वीडियो सब मैं समझाता हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। कहाँ से आए हो, जोर से बोलो। अच्छा विक्रोली से आए हैं और ये 786 का नोट लेकर आए हैं। देखिए अब ये 786 का एक अलग ही क्रेजी बोल सकते हैं, क्रेजी मतलब क्या है, जिसके पास 786 होता है वो सोचता है मैं तो 50,000 लाख का हो गया। भैया 786 का डबल 786 का मैक्सिमम 1500 कीमत होता है, अब उसके नीचे जो भी 786 हो जोड़ लो कम ही का होगा, और जो सिंगल 786 होता है आगे पीछे नंबर उसका कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इंडिंग का। अगर UNC हो तो 10 में 1 में 2 में 5 में वैल्यू है, 5-10 रुपये प्रीमियम है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो लालच बुरी बला है, ज़्यादा लालच के चक्कर में मत पड़े। आज एग्जीबिशन का आखिरी दिन है, मैं भीड़ दिखाता हूँ क्योंकि मैं स्टॉल छोड़ के जा नहीं सकता। ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये कितना रस है, लेकिन मैं स्टॉल जाऊँगा तो ये सब लोग को कैसे मैं अटेंड कर नहीं पाऊँगा। बाबू ये नहीं चलेगा, इसका वैल्यू नहीं होता है, डॉलर भी है तो दिखाइए, ठीक है। ये आपको इसको रख लीजिए, ये आपका कॉमन है, नहीं कुछ नहीं, नंबर फुल फैंसी, इसको रख दीजिए। और आप आज आप कहाँ से आए हैं? अरे बाप, ये मालेगांव से चचा आए हैं, ये क्वाइन लेकर आए हैं। क्वाइन इनका ठीक ठाक है लेकिन क्या है ना, वाश है, वाश क्वाइन का बायर कम होता है, नॉलेज के लिए बता दूँ, ठीक है। अब किसी को लेना हो तो ले सकते हैं, वाश करने से क्या है ना क्वाइन का लाइफ घटता है। वाश करने से ऐसा नहीं है कि ये ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। ये रखिए, ये सब नहीं चलेगा। आप एक और एक बीमारी है लोगों में, बीमारी नहीं है, पैसा प्यारा है। माता वैष्णो देवी का क्वाइन 5 रुपये का है, 10 रुपये का आता है, उसका कोई कीमत नहीं, सिंपल समझ लो एक वर्ड में। अब कोई सपना दिखाता है तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, और जो पैसा मांगेगा तो अगर आपने दिया तो समझ लो आप गए, ठीक है। तो कोई पैसा मांगे ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, घर बैठे बैठे राजा बाबू आप मत बनो, नहीं तो लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों वीडियो को अब ज़्यादा नहीं लंबा करता हूँ, फिर अगले एग्जीबिशन में मिलेंगे आपसे, एक मिनट, राजकोट में मिलेंगे। 3 दिन होगा मेरा एग्जीबिशन, 13, 14, 15। किसी को एड्रेस चाहिए तो मैंने पिछला वीडियो डाला है GNA कलेक्शन पे, अगर फेसबुक पेज पे भी मैंने डाला है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। मेरा तो वर्क है, बाकी और लोग जो परेशान हाल होते हैं गलत गलत वीडियो देख के, तो आप ये सही वीडियो शेयर करोगे तो सही जानकारी लोगों को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको राजकोट में 13, 14, 15। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग का धन्यवाद, जय हिंद। एक फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है।